हेलो बच्चों। तो बच्चों फ्लक्स की बात हम लोगों ने कर ली थी, अब गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे अपने। ठीक है, गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी सरफेस से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उनके नंबर्स को अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। जो लाइन सरफेस के अंदर एंटर करेंगी वो इनकमिंग है, और इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव होता है, और जो लाइनें बाहर निकलेंगी वो आउटगोइंग है, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप ये समझिए बच्चों कि फ्लक्स निकालने के हमारे पास में एक तरीका नहीं है, फ्लक्स निकालने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तरीका तो जस्ट मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। और दूसरा तरीका है बच्चों गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। बड़ा शानदार तरीका है यार, और बहुत आसान मेथड है। इसका यूज करके बड़े आराम से हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होती है और कैसे इसका यूज करके हम लोग फ्लक्स को यूज करें, फ्लक्स को निकालेंगे बच्चों। ठीक है, चलो देखिए गॉस थ्योरम बेसिकली है क्या। भाई देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है बच्चों। डेफिनेशन है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, दिस व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड दैट सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। भाई मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई क्लोज सरफेस है, कोई बंद सरफेस है चारों तरफ से। मैंने इसके अंदर रख दिया है प्लस क्यू चार्ज। तो आप ये कहोगे कि भाई ऐसा है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज होता है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलती हैं, प्लस क्यू चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगी ऐसे, और वो इलेक्ट्रिक लाइन्स सरफेस को कट करती हुई ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। बच्चों वो इलेक्ट्रिक लाइन्स सरफेस को ऐसे कट करती हुई बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो रेड वाला सरफेस है जिसके अंदर चार्ज रखा है बच्चों, ये जो रेड वाला सरफेस है, ये जो रेड वाला क्लोज सरफेस आपको दिख रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने चार्ज को रखा हुआ है, इस रेड वाले सरफेस को हम नाम देते हैं बच्चों गॉसियन सरफेस। इस रेड वाले सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। समझ में आ रही बात? ये रेड वाला सरफेस हम लोगों का कहलाएगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। और मुझे कहा कि भाई बताओ ये कितनी पिंक लाइनें कितनी पास हो रही हैं, यानी सरफेस को कट करके कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं। तो देखो ऐसे तो काउंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दो चार लाइनें नहीं होती हैं, लाखों करोड़ों लाइनें होती है। कहाँ तक काउंट करोगे आप, बहुत मुश्किल काम है। तो उसका एक बहुत आसान तरीका है बच्चों, तरीका ये है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तरीका ये है। आप एक काम करिए, आप ये देखिए कि इस गॉसियन सरफेस हमने किसे कहा, इस रेड वाले सरफेस को हमने गॉसियन सरफेस कहा। आप ये देखिए कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। हम कहेंगे भाई गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है क्यू चार्ज। सो इस गॉसियन सरफेस के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है क्यू चार्ज, अगर इस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, चार्ज को, टोटल चार्ज को, आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़ लेना है, ध्यान रखिएगा, मैं एग्जांपल बताऊंगा, चिंता ना करें। टोटल चार्ज को अगर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इससे आप डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कुल मिलाकर टोटल फ्लक्स की वैल्यू आप लोगों की कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों, कुल मिलाकर टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो भैया मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी कि गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम ये समझिए कि ऑल्टरनेट और एक बहुत आसान तरीका है फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि कोई बंद, कोई क्लोज सरफेस आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सरफेस क्लोज होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, नोट दैट द इंटीग्रल इज ओवर ए क्लोज सरफेस, यानी सरफेस हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। ध्यान रखेंगे बच्चों आप बात को, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी बात क्या है,
हमें क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, बाहर के चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी टोटल चार्ज रखा हुआ है उसे अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तब जाकर कहीं हमारा फ्लक्स निकलेगा बच्चों। सो स्टूडेंट, ये हमारी गॉस की थ्योरम है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सरफेस के अंदर मौजूद टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तब जाकर कहीं हमारा आंसर निकलेगा। तो आप चिंता ना करें, घबराएं नहीं बिल्कुल भी, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। भाई सबसे पहला काम तो आप लोगों का ये है कि आप इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम है डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई हमने आपको और कुछ नहीं बताया। ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट करिए और यही मार्जिन में एक बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा कि ये जो गॉस थ्योरम है ये फ्लक्स निकालने का अल्टरनेट मेथड है। इससे पहले फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ये दूसरा तरीका है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके, ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और फटाफट नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अभी हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है यार, टाइप्स पढ़ेंगे लेकिन टाइप से पहले तो बहुत कुछ हमें पढ़ना है। देखो जरा, टाइप से पहले क्या पढ़ना है, नोट पॉइंट नंबर वन, भाई ये हमें एक क्लोज सरफेस दे रखा है। मैंने इस क्लोज सरफेस के अंदर यहाँ चार्ज रखा प्लस क्यू वन, यहाँ रखा प्लस क्यू टू और यहाँ रखा प्लस क्यू थ्री। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप मुझे कहोगे कि सर ये जो रेड वाला सरफेस आपको दिख रहा है, इस रेड वाले सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। रेड वाले सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। अभी मैंने इसे कट कर दिया, अभी पॉइंट बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। रेड वाले सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। अब आप ये देखो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है ये हमें देखना है बच्चों। तो मैं कहूंगा भाई गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है एक दो तीन, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इस रेड वाले सरफेस से गॉसियन सरफेस से कुल मिलाकर इतना फ्लक्स पास होगा बच्चों, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास हो रहा होगा थ्रू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर टू पर बच्चों। पॉइंट नंबर टू, मैंने ये आपके सामने एक सरफेस बनाया, क्या नाम है इस सरफेस का, गॉसियन सरफेस। खास बात क्या है इसके लिए, खास बात यह है कि ये एक बंद बंद सरफेस है बच्चों, चारों तरफ से बंद सरफेस है, यानी क्लोज्ड सरफेस है, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। आईआईटी जेईई 2011 बंद सरफेस, बड़ा फनी सा लग रहा होगा, बंद लिख दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर आईआईटी जेईई में बच्चों क्वेश्चन आ रखा है, तो ध्यान रखें आप लोग हर एक छोटी से छोटी बात का। ये हमारे पास में क्लोज सरफेस है स्टूडेंट, ओके। हमने एक चार्ज रखा यहाँ पर क्यू वन, एक चार्ज रखा यहाँ पर क्यू वन, एक चार्ज रखा हम लोगों ने यहाँ माइनस के Q2, ये Q1 नहीं Q3 मानिए से, ये Q3 है, और यहाँ एक चार्ज रखा Q4। आपको बताना है कि यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा ये हम लोगों को बताना है बच्चों, गॉसियन सरफेस से। ये पूरा गॉसियन सरफेस है स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्या कहा, दो बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, गॉसियन सरफेस चारों तरफ से बंद होना चाहिए। बंद है क्या, बिल्कुल बंद है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, हमें गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, बाहर के चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इस गॉसियन सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा, जरा बताओ अंदर कितना चार्ज रखा है, Q3 माइनस Q2 प्लस Q4 एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस है ना, तो माइनस ही लेना है। याद करिए चार्ज में मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ये कहता है कि जब चार्ज को जोड़ा जाए तो प्लस हो तो प्लस लो, माइनस हो तो माइनस लो। इतना फ्लक्स हमारा पास हो रहा होगा बच्चों
उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि भाई कैसे गॉस की थ्योरम को अप्लाई करना है। गॉस की थ्योरम को अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हम पूछ रहे हैं बच्चों, जहाँ से पास होने वाला फ्लक्स आप देख रहे हो, एक तो वो सरफेस चारों तरफ से बंद होना चाहिए, और दूसरी बात उसके अंदर का चार्ज लेना है आपको, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, बाहर के चार्ज से आपको कोई भी मतलब नहीं है। स्टूडेंट ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए डेफिनेशन के बाद में ये पॉइंट नंबर वन है, ये नोट पॉइंट नंबर टू है, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए, और जो दो बातें मैंने आपको बताई है वहाँ नोट पॉइंट बनाकर नीचे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सरफेस ये मस्ट है, क्लोज्ड होना चाहिए, समझ में आ रही बात, और चार्ज उसके अंदर का लेना है हम लोगों को, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज हम लोगों को लेना है बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आते हैं बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। भाई देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कितने टाइप हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमारे दो टाइप हैं स्टूडेंट। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, इनकमिंग और आउटगोइंग तो वो दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए थे, ये है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और दूसरे को हम कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स। एक हमारे पास में पॉजिटिव फ्लक्स है और एक हमारे पास में नेगेटिव फ्लक्स है। इस सरफेस का नाम क्या है भाई? इस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। मैंने गॉसियन सरफेस के अंदर रखा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेंगी ऐसे और लाइंस निकलकर बाहर जाएंगी बच्चों ऐसे। पॉजिटिव चार्ज के अंदर से लाइंस निकलेंगी और लाइंस निकलकर बाहर जाएंगी कुछ ऐसे, ठीक है। अब तो मुझे एक बात बताओ, लाइंस बाहर कब जाती हैं? सरफेस से लाइंस बाहर कब जाती हैं? हम कहेंगे भाई लाइंस बाहर तब जाती हैं जब सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा होता है। तो एक बहुत मामूली सी बात है, अगर सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो लाइनें बाहर जाएंगी। लाइनें कहाँ जाएंगी? बाहर। और उसी फ्लक्स को हम पॉजिटिव फ्लक्स का नाम देंगे। जरा बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है, क्यू, और डिवाइड करेंगे एप्साइलन नॉट से। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। पॉजिटिव फ्लक्स बहुत आसान है बच्चों। जब गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स, लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी। अब आते हैं नेगेटिव फ्लक्स पर स्टूडेंट, और देखते हैं कि नेगेटिव फ्लक्स की कहानी है क्या। भाई ये है हमारे पास में गॉसियन सरफेस, और मैंने इस गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया है नेगेटिव चार्ज। अब तुम जानते हो यार, नेगेटिव चार्ज में जो लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं बच्चों, इनवर्ड। कई बार ना CBSE 1 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन दे देती है बच्चों, आप लोगों को फिगर दे देगी और कहेगी कि बताइए पॉजिटिव फ्लक्स है या नेगेटिव फ्लक्स है। अरे इसे तो हम कल की क्लास से भी यार बता सकते हैं, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ये इनकमिंग है, लाइनें आ रही हैं ना लाइनें। अगर लाइनें आ रही हैं तो फ्लक्स होगा भाई हमारे पास में माइनस के क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, और ये हमारा नेगेटिव फ्लक्स कहलाएगा स्टूडेंट। ये हमारा नेगेटिव फ्लक्स कहलाएगा, ये हमारा पॉजिटिव फ्लक्स कहलाएगा। तो गॉस थ्योरम के बिहाफ पर हमने फ्लक्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। जब सरफेस यानी गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस वो है जिससे आप लोगों से फ्लक्स पूछा जाएगा, जहां आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ यहां से पास होने वाली लाइंस कितनी होंगी। जैसे आप यहां देखो, ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से लाइंस निकलेंगी और इस ब्लू सरफेस को कट करते हुए बाहर निकल जाएंगी। तो आपसे पूछा कि बताओ ब्लू सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो आप लोगों से फ्लक्स कहां से पूछा है? ब्लू सरफेस से। तो ये जो ब्लू सरफेस है ना, ये आप लोगों के लिए गॉसियन सरफेस हो गया बच्चों। अगर मुझसे ये पूछता कि इस ब्लैक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ कितना है, फिर मेरे लिए ब्लू गॉसियन सरफेस ना होता। मतलब जिस सरफेस से वो फ्लक्स पूछेगा बस वही हमारा गॉसियन सरफेस है बच्चों, वही हमारा गॉसियन सरफेस कहलाएगा स्टूडेंट। तो मुझे पूरी उम्मीद कि नेगेटिव फ्लक्स क्लियर,
जब सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा होगा लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, क्लियर? जब सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, वो कहलाएगा पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है? तो ये हमारे पास में होगा बच्चों नेगेटिव फ्लक्स। उम्मीद है कि आपको टाइप्स समझ आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है? तो हम लोगों ने गॉस का लॉ पढ़ लिया है। भाई गॉस का लॉ क्या है? अल्टरनेट मेथड है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी हम एक तरीका पढ़ चुके हैं, ठीक है? दूसरा मेथड है, बढ़िया मेथड है, बहुत आसानी से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ आपको टाइप्स बताए, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट गॉसियन सरफेस की। देखिए सबसे पहले तो हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है बच्चों, एक क्वेश्चन अराइज होता है। यार क्वेश्चन क्या है कि भाई एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा और डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स का एक फॉर्मूला है बच्चों, और एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये अभी गॉस थ्योरम का पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। ये फॉर्मूला कब यूज में आएगा और ये फॉर्मूला कब यूज में आएगा? हालांकि दोनों फॉर्मूले फ्लक्स के हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना कि कहां मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूं और कहां मैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूं, कहां क्या कंडीशन मेरे सामने बनने वाली है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप प्रॉब्लम को बनाएंगे बच्चों। तो सबसे जरूरी बात क्या है, जरा देखिए आप भाई, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पर एक चार्ज रखा जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? और ये समझिए कि ये एक मेरे पास में सरफेस है, गॉसियन सरफेस या कोई भी सिंपल सरफेस, मैंने इसे नाम दिया है, ठीक है? समझिएगा ध्यान से बात को। अब पॉजिटिव चार्ज के अंदर से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के अंदर से लाइंस निकलेंगी ऐसे, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से लाइंस निकलेंगी ऐसे, और ये लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ निकल जाएंगी बच्चों। पॉजिटिव चार्ज के अंदर से लाइंस निकलेंगी और ये लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाएंगी। अब तुम एक बात देखो, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से लाइंस निकली, लाइंस निकलने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकला पॉजिटिव चार्ज के अंदर से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को कट करता हुआ बाहर निकल चुका है, निकल चुका है ना बाहर? आप कहेंगे कि सर हाँ बिल्कुल निकल चुका है, तो मैं कहूँगा कि जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आए किसी सरफेस को कट करे और कट करके बाहर निकल जाए, तब आप फॉर्मूला यूज में लेकर आएंगे बच्चों डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यानी जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आए सरफेस को कट करे और कट करके दूसरी तरफ निकल जाए ना बच्चों, ध्यान रखेगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए यानी स्मॉल एरिया, हमने एक छोटा सा एरिया लेट कर दिया, चिंता ना करें सब पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। डी ए का मतलब है एक छोटा सा एरिया सरफेस के अंदर, एक छोटा सा एरिया जहां से लाइनें बाहर निकल रही हैं, और थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर से आकर सरफेस को कट करके दूसरी तरफ निकल जाता है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, अब बारी आते हैं कि भाई Q अपॉन एप्साइलन नॉट का हम कब यूज करेंगे। भाई ये तो मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट, Q अपॉन एप्साइलन नॉट का यूज कब करेंगे? जब कोई गॉसियन सरफेस आपको दे रखा है जो चारों तरफ से बंद है और उस गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव यानी प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। हमें कोई गॉसियन सरफेस दे रखा है जो चारों तरफ से बंद है और उस गॉसियन सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव यानी प्लस Q चार्ज रखा है, उस कंडीशन में फ्लक्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे Q अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है? ये तो हो गया है, इस फॉर्मूले का यूज मैंने आपको बता दिया। बंद सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए, और अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सरफेस को कट करता है और कट करके बाहर निकल जाता है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों कि इन दोनों फॉर्मूलों में आपस में क्या रिलेशन है।
भाई ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सरफेस को कट किया, बाहर निकल गया। और ये क्या है कि सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तब हम फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ये जानना है बच्चों कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। सो पहले आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर आपस में क्या रिलेशन है। भाई आपस में रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले हम आपके सामने एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। बच्चों इमेजिन करिए कि ये हमारे पास में एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, ठीक है। क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू, पूरे सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू। अब होगा क्या, इस प्लस क्यू के अंदर से, बच्चों प्लस क्यू के अंदर से, प्लस क्यू के अंदर से लाइंस निकलेंगी ऐसे ऐसे। वैसे तो पूरे सरफेस से लाइनें पास होंगी, वैसे तो सब कहीं से लाइनें पास होंगी, लेकिन मैंने सिर्फ इतने हिस्से से लाइनें दिखा दी बच्चों, मैंने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे तो पूरे गोले से लाइनें पास हो रही होंगी, लेकिन मैंने पूरी यहाँ से सिर्फ लाइनें दिखाई। ये पिंक वाले एरिया को मैंने नाम दिया डी ए, डी ए मीन्स स्मॉल एरिया। चार्ज के अंदर से ये लाइन निकली है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कहा ई, ठीक है। तो आप ये देखो बच्चों ध्यान से, बिल्कुल यार बात समझना गौर से, अगर एक बार तुम कहानी समझ गए ना, फिर गॉस थ्योरम में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो भाई एक बात देखो, चार्ज के अंदर से लाइन्स चली, सरफेस को कट किया और बाहर निकल गई। बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मैं गॉस थ्योरम लगाऊं या पहले वाला फॉर्मूला लगाऊं? क्यों? चार्ज के अंदर से लाइन्स निकली, सरफेस को कट किया और बाहर निकल गई। तुम कहोगे कि सर गॉस थ्योरम तो अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पहले लगाते हैं वो पहले वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, सरफेस को कट करता है और बाहर निकल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ इतने वाले हिस्से से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा ई डी ए, ई डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए, वेक्टर के टर्म में मैंने लिख दिया। डी फाई का मतलब है सिर्फ यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स, एक छोटी जगह से पास होने वाला फ्लक्स। डी फाई का मतलब है स्मॉल फ्लक्स, पूरे गोले की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इतनी सी जगह की बात कर रहे हैं हम लोग। डी फाई का मतलब है सिर्फ यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स बच्चों, सिर्फ यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स। मुझे पूरे गोले से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया। जब मैं डी फाई का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये बन जाएगा फाई, और मैं इधर का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बन जाएगा ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये गोला सा मैंने लगा रखा है, इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि पूरे गोले से पास होने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं बच्चों। यानी हमारे पुराने फॉर्मूले के मुताबिक, हमारा जो पुराने वाला फॉर्मूला था उसके मुताबिक पूरे गोले से पास होने वाला फ्लक्स इतना होगा बच्चों, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये तो एक छोटी जगह से पास होने वाला फ्लक्स है पुराने वाले फॉर्मूले के मुताबिक, और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये पुराने वाले फॉर्मूले के मुताबिक पूरे गोले से पास होने वाला फ्लक्स है, समझ रहे हैं हम मेरी बात? मैंने इसे मान लिया है इक्वेशन नंबर वन। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नया फॉर्मूला, नई उम्मीद की किरण, नए फॉर्मूले के मुताबिक बताओ गोले से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। भाई नया फॉर्मूला तो सिर्फ इतना कहता है कि सबसे पहले देखो कि चारों तरफ से बंद है या नहीं है। हम कहेंगे बंद है। वॉट एवर इसका साइज कैसा है, इसकी शेप कैसी है, मैटर नहीं करता है, सिर्फ चारों तरफ से बंद होना चाहिए। सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, कोनिकल, कैसा भी हो सकता है, बस बंद हो चारों तरफ से, ठीक है। बंद है, तुम कहोगे कि सर हाँ है। बताओ इसके अंदर कितना चार्ज रखा है, तुम कहोगे कि सर प्लस क्यू रखा है। तो मैं कहूँगा भाई ऐसा है कि गॉस थ्योरम के मुताबिक इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स होगा इतना।
पुराने फॉर्मूले के मुताबिक फ्लक्स इतना होगा पूरे गोले से पास होने वाला, नए फॉर्मूले के मुताबिक इतना फ्लक्स होगा पूरे गोले से पास होने वाला, ये भी फ्लक्स के बराबर, ये भी फ्लक्स के बराबर। हम ऐसा करेंगे, हम दोनों को आपस में बराबर रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ये कहानी हमारे पास में बनेगी बच्चों, वो जो आपने फर्स्ट पेज के ऊपर वो इक्वेशन लिखी हुई देखी थी और अपनी कॉपी में भी आप लोगों ने नोट डाउन की होगी, यही है वो इक्वेशन और यहाँ से आई है वो इक्वेशन। एक बार हमने पुराने वाला फॉर्मूला लगाकर पहले छोटी जगह से पास होने वाला फ्लक्स निकाला। मैंने आपको बताया वो पुराने वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जब लाइनें आएंगी किसी सरफेस को कट करेंगी और बाहर निकल जाएंगी, वो पुराने वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों हमारा। हमने उसका इंटीग्रेशन करके पूरे गोले का फ्लक्स निकाल दिया और एक तरफ हम लोगों ने गॉस की थ्योरम को अप्लाई करके प्रॉब्लम को बनाया बच्चों। ठीक है, करिए नोट डाउन यहाँ से, चिंता ना करिए, जब तक मैं हूँ कोई परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को, आराम से नोट डाउन करिए, बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आएगा आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करते हैं आगे। ये कहानी तो आप लोगों को समझ आ गई होगी इतनी। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि गॉस की थ्योरम क्या है, ऑल्टरनेट मेथड है फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, और इस मेथड में फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये देखना है कि सरफेस चारों तरफ से बंद है या नहीं है। सरफेस चारों तरफ से बंद होना चाहिए, चाहे उसका साइज उसकी शेप कुछ भी हो, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना रखा है ये आपको देखना है और एप्साइलन नॉट से डिवाइड कर देना है बच्चों। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखो एक बड़ा सुपर पॉइंट मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए पॉइंट ये है, ये हमारे पास में क्या है भाई, ये हमारे पास में, तुम एकदम से कहोगे कि सर ये है हमारे पास में गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें इसी से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। एक चार्ज कैपिटल क्यू, एक चार्ज स्मॉल क्यू, एक चार्ज माइनस के क्यू डैश, एक कंडीशन तो हो गई हमारे पास में ये बच्चों। दूसरी कंडीशन में हमारे सामने एक और गॉसियन सरफेस बनाया गया, लेकिन इस बार इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमने एक मटेरियल को फिल कर दिया, हमने एक मटेरियल को फिल कर दिया और मटेरियल है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक होता है चार्ज को चूसने वाला, चार्ज को चूस लेता है अपने अंदर, चार्ज को खा जाता है, ध्यान रखेगा, चार्ज की को थोड़ा वीक कर देता है ये डाई इलेक्ट्रिक। आसान शब्दों में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ एक चार्ज रखा है हमारे पास में कैपिटल क्यू, यहाँ है स्मॉल क्यू, यहाँ है माइनस के क्यू डैश, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। देखो भाई, एक गोला अंदर से खाली, एक गोला वो भी अंदर से भरा हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक से, चार्ज उतना ही रखा है उसके अंदर। तो भाई सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां है अंदर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एप्साइलन नॉट। तो अगर मैं इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जरा देखें, फ्लक्स की वैल्यू होगी, बताओ रेड वाले के अंदर टोटल चार्ज कितना रखा है। तुम कहोगे सर कैपिटल क्यू है, साथ में प्लस स्मॉल क्यू है, माइनस के क्यू डैश है, एंड डिवाइडेड बाय एप्साइलन नॉट है। हमने यहां गॉस की थ्योरम को अप्लाई कर दिया, इतना फ्लक्स पास हो रहा होगा इस रेड वाले सरफेस से, लाइनें बाहर जा रही होंगी अंदर आ रही होंगी, कुल मिलाकर इतना फ्लक्स यहां से पास हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यहां की कहानी क्या है, यहां से कितना फ्लक्स पास होगा। देखो अंदर वैक्यूम नहीं है, अंदर वैक्यूम नहीं है, यहां वैक्यूम नहीं है, यहां तो कोई मटेरियल भरा हुआ है। तो अगर मटेरियल भरा हुआ है ना बच्चों, तो फिर फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्साइलन,
नॉट एप्साइलन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम बच्चे जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा। एप्साइलन नॉट का यूज सिर्फ वहां होता है जहां वैक्यूम होता है बच्चों, खाली मीडियम होता है, कुछ नहीं होता है, वैक्यूम होता है, एप्साइलन नॉट का यूज करते हैं हम लोग। यहां तो मटेरियल है तो हम यूज करेंगे एप्साइलन का। बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू माइनस के क्यू डैश प्लस क्यू, नीचे आएगा एप्साइलन, और एप्साइलन को हम लिख सकते हैं भाई, एप्साइलन का फॉर्मूला होता है के एप्साइलन नॉट, ध्यान रखिएगा, ये एप्साइलन का फॉर्मूला है बच्चों, एप्साइलन आर आएगा यहां पर, सॉरी हमारे पास में एप्साइलन आर का जो फॉर्मूला है वो है के अपॉन एप्साइलन नॉट, ध्यान रखिएगा। एप्साइलन आर रिलेटिव परमिटिविटी होती है, अभी तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम सीधा फॉर्मूले पर ध्यान दो, के एप्साइलन नॉट के से डिवाइड कर देंगे आप उस केस के अंदर, के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर कहीं भरा हुआ मीडियम है तो के से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर कहीं खाली है तो वहां के से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर से, ठीक है, करिए आप जल्दी से नोट डाउन, फिर हम आगे बात करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये गॉस थ्योरम हमने खाली गोले पर लगाई है और वो भरे हुए गोले पर लगाई है, बस इतना फर्क है, खाली गोले में नीचे सिर्फ एप्साइलन नॉट आएगा और वहां के एप्साइलन नॉट आएगा, यानी वहां हमें मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, बिना डिवाइड किए हुए काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, आप इस बात को अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। चलिए इतनी बातें हमने आपको बता दी हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में आपके सामने, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हमें क्या बताना है जरा देख लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, बताना सब में फ्लक्स ही है, और मुझे लगता है कि ये चार पांच कॉन्सेप्ट्स करने के बाद में काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले वाले में देखें बच्चों जरा, पहले वाले में क्या है, पहले तो ये देखो कि ये सरफेस चारों तरफ से बंद है या नहीं है। तुम कहोगे कि सर बंद है, है ना बंद, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, चार्ज कितना है 2 माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस 6, अंदर से खाली है, ये एयर है भाई, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है, तो एप्साइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 यूनिट होगी न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी बच्चों। डिवाइड तो कर लोगे यार, या डिवाइड भी मुझे ही करना पड़ेगा, कर लोगे आराम से, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करोगे फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और ये फ्लक्स हमारे पास में पॉजिटिव रहेगा बच्चों, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब इस पर आओ, सबसे पहले देखो कि सरफेस बंद है या नहीं है। तुम कहोगे कि सरफेस बंद है सर, चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो फ्लक्स भी कैसा होगा नेगेटिव, कितना है 2 × 10 की पावर माइनस 6, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, नेगेटिव फ्लक्स होगा और इतना फ्लक्स होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहां आते हैं हम लोग, देखो चारों तरफ से बंद है ना, चारों तरफ से बंद भाई, हमें इस चार्ज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सरफेस के बाहर है, हमें इस चार्ज से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये भी सरफेस के बाहर है, हमें तो मतलब सिर्फ उस चार्ज से है जो सरफेस के अंदर है, और सिर्फ ये वाला चार्ज सरफेस के अंदर है, इसकी वैल्यू है 2.0, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2 × 10 की पावर माइनस 6, 2 μC, 8.85 × 10 की पावर माइनस 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतनी वैल्यू बच्चों हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रहेगी। चलो पहले इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं और करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। देखो
क्या इस चार्ज से हमें कोई मतलब है? तुम कहोगे सर बिल्कुल नहीं है इस चार्ज से हमें मतलब। क्या हमें इस चार्ज से कोई मतलब है? तुम कहोगे सर क्यों है मतलब, कोई मतलब नहीं है, सरफेस के बाहर है। ठीक है, ये दोनों सरफेस के बाहर, कोई मतलब नहीं। सरफेस क्या चारों तरफ से बंद है? तुम कहोगे सर बिल्कुल बंद है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बंद सरफेस है चारों तरफ से। ओके स्टूडेंट्स, ये चारों तरफ से बंद सरफेस है हमारे पास में। हमें देखना है कि टोटल चार्ज कितना रहने वाला है इसके अंदर। सो फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना है प्लस फोर, यहाँ कितना है प्लस सिक्स, तो कितना हुआ प्लस टेन, वन अ प्लस टेन, ये माइनस टेन, तो टोटल चार्ज कितना हो गया जीरो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड द फ्लक्स इज जीरो। देखो बच्चों, चार्ज तो रखा है लेकिन फ्लक्स जीरो है। बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर चार्ज तो रखा है ना, जहाँ चार्ज रखा होगा वहाँ लाइनें तो होनी चाहिए, फिर फ्लक्स कैसे जीरो हो गया? तो आप ये कहोगे कि इन पॉजिटिव की वजह से जितनी लाइनें बाहर जा रही हैं, बिल्कुल नेगेटिव की वजह से उतनी ही लाइनें अंदर आ रही हैं। मान लो पॉजिटिव 10 है हमारे पास में और 10 की वजह से 10 लाइनें ही बाहर जा रही हैं, तो नेगेटिव की वजह से 10 लाइनें ही अंदर आ रही हैं। अब 10 लाइनें बाहर जा रही हैं, 10 लाइनें अंदर आ रही हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ जीरो। जितनी लाइनें बाहर गई उतनी ही लौट कर आ गई, टोटल फ्लक्स हमारा जीरो के बराबर रहा। समझ में आ रही बात भाई? बाहर जाने का मतलब क्या है? आउट गोइंग फ्लक्स 10 हो गया। अंदर आने का मतलब क्या है? इनकमिंग फ्लक्स माइनस के 10 हो गया। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? इनकमिंग प्लस आउट गोइंग, तो टोटल आंसर इज जीरो। तो टोटल चार्ज जीरो है, इसीलिए टोटल फ्लक्स भी हमारा जीरो है बच्चों। चलिए अब यहां आते हैं हम लोग और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये वाला चार्ज कट करो, ये वाला चार्ज कट करो, बाहर है। उसके बाद देखो सरफेस चारों तरफ से बंद है या नहीं है? बिल्कुल बंद है, हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या बनेगी बात? बात बनेगी ये, फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस चार और माइनस एक, माइनस के पाँच और ये है प्लस के छः, तो ये बचेगा 1 × 10⁻⁶, 8.85 × 10⁻¹२। इतना फ्लक्स भाई हम लोगों के पास में पास होगा बच्चों, इतना फ्लक्स होगा। उम्मीद करता हूँ कि इन सारे एग्जाम्पल से, पांच एग्जाम्पल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यही आप लोगों का होमवर्क तो वैसे पूरा सारा है आपका। आपको गॉस थ्योरम में क्या समझ में आया? गॉस थ्योरम है क्या? गॉस थ्योरम एक बहुत आसान तरीका है फ्लक्स कैलकुलेट करने का। सिर्फ दो बातों पर ध्यान देना है, सरफेस बंद होना चाहिए जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, और हमें सिर्फ सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, बाहर का चार्ज नहीं लेना है। सरफेस के जो अंदर चार्ज रखा है उसे एप्साइलन नॉट से डिवाइड करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी साइज के लिए, किसी भी शेप के लिए वैलिड है। बस शर्त यह है, एक तो बंद सरफेस होना चाहिए और चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए स्टूडेंट। ये हमारे पास में नेसेसरी कंडीशन है। चलिए इन पांच के पांच सवालों के आंसर आप लोगों को निकालने हैं, नोट डाउन करिए जरा जल्दी से, फिर हम बात करते हैं आगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, आंसर सबके निकालिएगा अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करते हैं। देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोगों को इसे एक नई बात सीखने के लिए मिलेगी बच्चों। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट। प्रॉब्लम हमारे पास में है भाई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर ड्यू टू अ चार्ज 10⁻⁷ कूलम एट द सेंटर ऑफ अनदर इक्वल चार्ज। देखो भाई ऐसा है, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हम बात सिर्फ फ्लक्स की कर रहे हैं, तो हम फ्लक्स की बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखो उसने क्या कहा कि आपके पास में एक सरफेस है, गॉसियन सरफेस, क्लोज गोला है, ठीक है, स्पेयर दे रखा है, स्पेरिकल सरफेस गोला है हमारे पास में, इसके सेंटर पर रखा है 10⁻⁷ चार्ज, रेडियस है इसकी आर, गोले की जो रेडियस है वो आर है। अब हमें ये कहा कि इसके सेंटर से 2R डिस्टेंस पर, ये सेंटर है, ये 2R डिस्टेंस है, एक चार्ज यहाँ रखा है 10⁻⁷ के साथ। क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक ये कहानी है, एक गोला है हमारे पास में, गोले के सेंटर पर इतना चार्ज रखा है,
गोले के सेंटर से टू आर डिस्टेंस पर यहाँ एक और चार्ज रखा है, बिल्कुल इतना ही। हमें ये बताना है कि इस गोले से पास होने वाला फ्लक्स होगा कितना। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। रूल क्या है? रूल ये कहता है, दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जिस सरफेस से फ्लक्स निकालना है तुम्हें यहाँ से बताना है कि फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है। ये चारों तरफ से बंद है या नहीं है, तुम कहोगे कि सर चारों तरफ से बंद है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है। ये गॉसियन सरफेस है, ब्लू वाला कह लो या ब्लैक वाला कह लो, इसके अंदर का चार्ज, इसके अंदर का चार्ज कितना है? 10^-7। और बाहर का चार्ज 10^-7। कौन सा चार्ज लेना है? आप कहोगे कि ये लेना है 10^-7, ठीक है। बस हो गया काम, यहां से पास होने वाला फ्लक्स हो गया हमारे पास में 10^-7। अंदर क्या है भाई? अंदर है वैक्यूम। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खासकर नीट वाले बच्चों के लिए, एप्साइलन नॉट से हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8.85 × 10^-12, जैसे ही डिवाइड करेंगे फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। इस वाले चार्ज को हमने क्यों नहीं लिया? जस्ट अभी पढ़कर आ रहे हैं हम लोग कि गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज हम लोगों को नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। चल ओके, अभी हम लोग बात करते हैं आगे। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आगे, और ये कंडीशन है भाई हमारे पास में बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ये कंडीशन छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को इस कंडीशन को ट्राई करना है। एक बार आप लोग मुझे ट्राई करके आंसर बताएंगे। मैं थोड़ी सी हिंट आप लोगों को दे देता हूँ बच्चों। हिंट देखिए क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा भाई, इधर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई, और यहाँ चार्ज रखा है क्यू, तो दो फ्लक्स पास हो रहे होंगे। एक तो ये जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई, ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होगा, ऐसे यहाँ से पास होगा, तो एक फ्लक्स तो इसकी वजह से होगा। एक ये जो चार्ज रखा है यहाँ पर, एक इस चार्ज की वजह से फ्लक्स पास होगा, ठीक है। चार्ज की वजह से कितना होगा? देखो पूरे क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, अरे रखा है भाई, पूरे क्यूब के अंदर चार्ज रखा है ना, क्यू चार्ज रखा है, तो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। पूरे क्यूब के अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। लेकिन हमें क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स नहीं चाहिए, शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, हमें इस शेडेड रीजन से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए। जैसे ये रूम है, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार मेरे पीछे, एक सामने, एक ऊपर, एक नीचे, इस दीवार से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए। पूरे रूम से पास होने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक दीवार से पास होने वाला कितना होगा? क्यू अपॉन 6 ε₀। क्योंकि पूरा क्यूब हमारा 6 कंडीशन से मिलकर बना है बच्चों, यानी 6 वॉल से मिलकर बना है, यानी 6 सरफेस से मिलकर बना है, तो इसीलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया। चार्ज की वजह से तो इतना फ्लक्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगा, एंटर करके बाहर निकल जाएगा बच्चों। साइड कितनी है? ए, तो इसका एरिया हो जाएगा ई ए स्क्वायर। ये फ्लक्स तो चार्ज की वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ई ए स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन रहेगा, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बाकी चिंता ना करें, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने बात की गॉस थ्योरम की, मैंने आपको गॉस थ्योरम का बहुत बेसिक सी कंडीशंस अभी तक बताई हैं, बहुत ज़्यादा डीप में हमने बात अभी नहीं की है। डेफिनेशन और कैसे हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ये हमने आपको बताया है। आप लोगों का काम इतना है कि जितना मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लेक्चर को देखें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है बच्चों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट मत रखना, बस कहीं भी कोई डाउट मत रखना, आप लोगों को अपने डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू मुझसे अपना डाउट क्लियर करिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर भी कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दिया जाए, ओके। दूसरी बात बच्चों, संडे सुबह 10 o'clock, सुबह 10 बजे आप लोगों की एक लाइव क्लास होने जा रही है आपके एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें हम आप लोगों के डाउट्स को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप सभी लोग लाइव अवेलेबल रहें और अपने डाउट्स के सॉल्यूशन को देखें, जो डाउट्स आप लोगों ने हमारे पास में भेज रखे हैं। अगर किसी बच्चे का कोई और डाउट भी है तो वो भी कल तक सुबह 10 बजे से पहले हमारे पास में भेज दे, जिससे कि हम उसके डाउट का भी सॉल्यूशन कर सकें स्टूडेंट, ओके। चलिए, और 10 तारीख याद रखेगा, 10 मई, ठीक। चलिए, थैंक यू।